भाई मैं संजय बोल रहा हूँ करोला क्षेत्र के अंदर से। लाल तालीम को आवाज करिए नंदो खलीफा ने के इनके कैदी उड़ते हैं, मेरे से शर्त लगा सकते हो। आज लाल तालीम ने जवाब नहीं दिया, सारे उनके सिपा सलाहदार बैठे थे, जितने भी उस्ताद भी बैठे थे उनके और उनके चेले भी बैठे थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने पारिक में भी आके मैदान के अंदर भी बोला, खुला चैलेंज दिया कि नंदो से कोई भी लाल तालीम का दौड़ा सकता आगे। उनमें किसी में हिम्मत हो तो भाई बात पकड़ के दिखा दो उसका। जो उस तालीम में थे भाई उसने आवाज करी है 100,000 कबूतर और 5,00,000 रुपए। भाई अगर देखो हुनर किसी के पास है तो भाई पकड़े जरूर पकड़े। उनके तो पैसे नहीं है तो मैं कम करवा दूंगा पैसे, हुनर दिखाओ आगे। ये मत बोलोगे किसी उस्ताद। देखो भाई ऐसा है, उन्होंने खुद उड़ाया अपने ही खलीफा को, उन्होंने इस्तीफा दिया सरे तो सारी दौड़ में उन्होंने नंदो खलीफा को है। फिर नंदो खलीफा ने ये बोला कि भाई ऐसा है 101 कबूतर और 5,00,000 रुपए लाल तालीम से मेरे दौड़ते हैं। खुद लाल उस्ताद के मुंह पे ही बोला ये। हार खुद लाल उस्ताद के मुंह पे बोला है। अच्छा लाल उस्ताद भाई करोल बाग में ये बात है कि भाई अगर कोई है तो 101 कबूतर और 5,00,000 की दौड़ कबूल करे वो लाल उस्ताद जी। यह दौड़ में ये आवाजें उठ रही है और मेरे भाई अगर मेन बात है वो कह रहे 5,00,000 नहीं तो कह रहे कि 10,00,000 से भी आ जाए 15,00,000 से भी आ जाए। नंदो भाई ये बात कर रहे हैं, नंदो खलीफा जी अगर उसमें हिम्मत है तो जवाब दे, मैं कम करा दूंगा। संजय बैठा हूँ मैं भाई, अगर किसी में पैसे नहीं है तो मैं कम करवा दूंगा पैसे, मगर शौक दिखाओ आगे भाई। तुम उड़ाते हो भाई जगह जगह उड़ाते हो, आप यहाँ पे आगे उड़ाओ जरा लाल तालीम के। शौक को सैल्यूट होता भाई चाहे वो खलीफा को चाहे उस्ताद को। भाई शौक दिखाओ आगे यहाँ पे कोई भी है तो लाल तालीम का कोई भी।